अगर आप विद्यार्थी हो पढ़ते हो तो आपको क्या करो, मैं आपसे कहूंगा कि आप हर महीने 1000 रुपया लगा दो, पॉकेट मनी में इतना तो मिलता होगा, इन्वेस्ट कर दो। इसके लिए डीमेट अकाउंट होना चाहिए, खुलवा लो, काम आएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। हर महीने 1000 रुपया लगाओ, ठीक है, इस हिसाब से अगर देखोगे तो ईयरली आप 12000 रुपया, आप एक साल के अंदर 12000 रुपया आपका लग जाएगा शेयर मार्केट में। और हमेशा कोशिश करो कि हर साल आप 10% बढ़ाते रहो। अगर एक पिछले साल अगर आपने 12000 लगाया, 10% बढ़ा दो, फिर आप अगले साल कोशिश करो कि मैं 13200 लगाऊंगा, हर बार 10% बढ़ा के लगाओ, फिर अगले साल 14500 लगाऊंगा, फिर अगले साल 15972 रुपये लगाऊंगा, ऐसे करके हर बार अपने जो पैसे हैं हर साल बढ़ाते रहो। देखो एक बात याद रखना, कंपाउंडिंग की पावर बड़ी गजब होती है, आप इतनी सी इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकती है, आपको अंदाजा भी नहीं है कि अगर आप ये काम करते हो जो मैं बोल रहा हूं, ये इतना सा पैसा अगर आप 10 साल के लिए लगा, अब काउंट कर लो, अब 10 साल के लिए अगर यही पैसा लगा रहे हो, ऑन एवरेज काउंट कर लो 15000, और अगर आपने 10 साल, एक साल में मान लो ऑन एवरेज 15 साल लगाए, 15000 लगाए, 10 साल में कितने हो गए, 1.5 लाख रुपए। ये 1.5 लाख आपका 1 करोड़ रुपए में भी बदल सकता है अगर आप 25 साल डूब जाओ तो, इसी पैसे को होल्ड करके रखो तो। ये कैलकुलेशन आप SIP कैलकुलेटर में भी कर सकते हो, आप जस्ट गूगल पे लिखो SIP कैलकुलेटर और उसमें आप डालो आप कितना पैसा लगा रहे हो कितने साल के लिए, तो आप रिटर्न देख के हैरान रह जाओगे। और ये सच है, लोगों को विश्वास ही नहीं होता कि ऐसे कैसे हो सकता है, मैंने 1.5 लाख लगाया था। जितना रुकोगे पैसे उतने ही कंपाउंड होते चले जाएंगे, लोगों ने होते देखे हैं। आपका वो 1.5 लाख का इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकता है। आप शेयर मार्केट से पैसा मत निकालना, मान लो 25 साल और आपने, तो 50 साल के हो गए आप, 50 साल में आपको 100% बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। 15% के रिटर्न मिले तो, 20% के रिटर्न मिले तो, ये 1 करोड़ के आसपास इसकी कैलकुलेशन बैठेगी। और SIP कैलकुलेटर गूगल से जाके आप खुद भी कर सकते हो। तो ये जो दिख रही है ना आपको सिंपल कैलकुलेशन, ये आपको करोड़पति बना सकती है।